तो हे दोस्तों, कैसे आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका मोबाइल स्लो चल रहा है, हैंग कर रहा है, स्लो चल रहा है, तो आप अपने मोबाइल को रॉकेट की तरह फास्ट कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका मोबाइल कोई भी फोन हो, हैंग कर रहा है, स्लो चल रहा है, देखो हैंग होना कुछ अलग बात है, स्लो चलना अलग बात है। जब आपका फोन हैंग होता है तो आपका फोन स्टॉप हो जाता है, कुछ काम भी नहीं करता है, ठीक है। आप उसको कितना भी प्रेस करेंगे आपका फोन काम नहीं करेगा। लेकिन स्लो होना, जब आप अपने फोन को यूज करेंगे, मतलब किसी भी फोल्डर को ओपन करते हैं, किसी ब्राउजर को ओपन करते हैं, तो बहुत ही स्लो, मतलब इतना स्लो ओपन होता है कि परेशान हो जाओगे, देखते देखते कैसे ओपन होगा, कब ओपन होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके फोन में ये दोनों प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, अपने फोन को फास्ट कैसे करेंगे, हैंगिंग प्रॉब्लम दूर कैसे करेंगे। मैं आपको चार तरीका बताने वाला हूं, चार ट्रिप्स देने वाला हूं, जिसकी मदद से आप ये सब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद प्रजापति, आप देख रहे हैं हिंदी में सीखो यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो घंटी है ना आप उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं सबसे पहले आप देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं आ गया हूं अपने मोबाइल फोन पे। मैं आपको बहुत सारा स्टेप बताऊंगा, ठीक है, आपको सारा स्टेप फॉलो करना होगा, और मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ, अगर आपका मोबाइल स्लो चल रहा होगा, हैंग हो रहा होगा, तो 110% सही हो जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में, ठीक है, आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है। उसके बाद में आपको जाना है थ्री डॉट पे, थ्री पट्टी पे, ठीक है, आप जो भी बोल लीजिए इसको। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है आपको अपने सेटिंग में। तो आप देख सकते हैं कि सेटिंग यहाँ पे है, तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो अपडेट ऐप का, तो आपको इसको ओपन कर लेना है। दोस्तों, आप देखते होंगे कि जब भी हम वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, या तो जब भी हम अपना इंटरनेट ऑन करते हैं, ऊपर जहाँ पे टाइमिंग शो हो रहा है, या तो आपके नेटवर्क के अगल बगल में एक डाउनलोडिंग सा होने लगेगा, जिससे आपका जो एप्लीकेशन होता है, जो आपके मोबाइल का सारा एप्लीकेशन होता है, सारा का सारा ऑटोमेटिक अपडेट होने लगता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सारा एप्लीकेशन आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपने चुनिंदा एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यूट्यूब हो गया, क्रोम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, अगर आप इनको अपडेट करना चाहते हैं तो आप जाके मेनुअली अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जब भी आप किसी वाईफाई से कनेक्ट होंगे, या तो जब भी आप अपना इंटरनेट ऑन करेंगे, कोई भी एप्लीकेशन अपडेट नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ, अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं कि ऊपर की साइड में एक ऑप्शन है माई एप्स एंड गेम का, तो आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको इंस्टॉल पे चले जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सारी एप्लीकेशन है, कुछ एप्लीकेशन अपडेट है, कुछ एप्लीकेशन अपडेट नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए मुझे फेसबुक को अपडेट करना है, तो यहाँ से मैं उसको मैन्युअली अपडेट कर सकता हूँ, सिर्फ फेसबुक अपडेट होगा, बाकी कोई अदर एप्लीकेशन अपडेट नहीं होगा। तो अगर आप एक कर लेते हैं तो आपका मोबाइल हैंग नहीं होगा, जैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे आपका मोबाइल स्मूथली चलेगा, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होगा, कोई एप्लीकेशन अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ही कमाल का सेटिंग है। अब दोस्तों, दूसरी सेटिंग के लिए आपको जाना है अपने सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद में जाना है आपको डेवलपर ऑप्शन में, ठीक है। तो आपको डेवलपर ऑप्शन कैसे मिलेगा, आपको अपने अबाउट फोन में जाना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा बूट नंबर, मॉडल नंबर, कुछ भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्जन करके है, जैसे आप इस पर 7 बार टैप करेंगे आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ऑलरेडी पहले से ऑन है। तो चलिए मैं बैक चलता हूँ, और हाँ दोस्तों, अगर आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा तो नीचे शो करने लगेगा, ठीक है। अगर आपको नीचे नहीं मिलता है तो आपको अपने एडिशनल सेटिंग में जाना है, उसके बाद में आपको नीचे का ऑप्शन मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन का। तो चलिए मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ कैप्चा देना पड़ेगा मुझे, PTVJ। तो आप देख सकते हैं कि मैं अपने डेवलपर ऑप्शन में आ गया हूं। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। अब आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाएगा, विंडो, ट्रांजिशन, एनिमेटर, आप देख सकते हैं तीनों ऑप्शन है। तो आपको विंडो एनिमेशन स्किल पे क्लिक करना है,
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1x सिलेक्ट है, ठीक है, 1x सिलेक्ट है। तो मैं आपको सबसे पहले डेमो दिखा देता हूँ, 10x पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। अगर आप जितना भी नीचे करेंगे आपका मोबाइल स्लो हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ 10x पे क्लिक करके, तो आप देख सकते हैं कि मैं 10x पे क्लिक कर दिया। चलिए मैं फटाफट सबको 10x पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं सबको 10x पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ ऊपर से नीचे, तो आप देख सकते हैं कि कितना स्लो हो रहा है, ठीक है, कितना स्लो हो रहा है, आप देख सकते हैं कितना स्लो हो रहा है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्लो हो गया। दोस्तों हैंग होना कुछ अलग बात है, स्लो होना कुछ अलग बात है। तो आपको क्या करना है, आपको तीनों ऑप्शन को ओपन करना है और आपको यहाँ से कर देना है एनिमेशन ऑफ। आपको तीनों में एनिमेशन ऑफ कर देना है, ठीक है। अब मैं आपको अपने फोन को चला के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कितना फास्ट हो गया है, आप देख सकते हैं कितना फास्ट हो गया, बहुत ही कमाल का चल रहा है, ठीक है। ये तो हो गई दूसरी सेटिंग। अब आपको तीसरा काम क्या करना है, दोस्तों आप नेट यूज करते होंगे तो आपको ज़्यादा ब्राउजर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है। जैसे ओपरा मिनी, मोज़िला फायरफॉक्स, क्रोम, यूसी ब्राउज़र, आपको एक से दो ब्राउज़र रखना है, ठीक है। अगर आप मोज़िला रखते हैं, क्रोम रखते हैं, बहुत हो गया यार, ज़्यादा रख के कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आप ज़्यादा ब्राउज़र रखेंगे तो जो उनकी वेबसाइट होती है वह आपके मोबाइल में कैश डाटा बना लेती है, बहुत सारा जगह घेर लेती है, खींच लेती है, बना लेती है, जिसके कारण आपका मोबाइल स्लो हो जाता है, हैंग करने लगता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दो ब्राउज़र को यूज करना है। और दोस्तों चौथी बात, आपको किसी भी बैटरी डॉक्टर, एंटीवायरस, क्लीन मास्टर, किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं करना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को यूज करते हैं तो आप बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, क्योंकि ये जो सारी एप्लीकेशन है एक दो दिन बहुत ही अच्छे से वर्क करेगी, उसके बाद में आपके फ़ोन को हैंग कर देगी। बैटरी डॉक्टर हो, क्लीन मास्टर हो, कोई एंटीवायरस हो, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर दोस्तों आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली 100% आपका मोबाइल कभी हैंग नहीं करेगा, मेरी गारंटी है। तो मित्रों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, लाइक प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा और मैं आगे अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कुछ भी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, बाय।